चंद्र बाबू जी, जनाब मोमिन साहब, यहां पे आंध्र के मेंबर पार्लियामेंट, मेंबर असेंबली और बाकी लोग जो आए हुए हैं, नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ से मैं चंद्र बाबू जी को और आप सबको ये आश्वासन देता हूं कि हम आपके साथ खड़े हैं और चाहते हैं कि आपके साथ जो वादे हुए हैं, जो प्रधानमंत्री ने बार बार वादे किए हैं चंद्र बाबू जी से, स्पेशल स्टेटस के लिए, आपके कैपिटल के फंड के लिए और दूसरे वादे जो किए उनको पूरा करना चाहिए। देखिए, यह सरकार जो दिल्ली में है ये वादे तो बहुत करती है, आजकल भी आप देखेंगे हर जगह वो पत्थर लगा रहे हैं, मगर इनसे ये तो पूछिए पहले जो वादे किए हैं उनको पूरा क्यों नहीं किया। अब वो कहते हैं कि हमारा संकल्प है हर जगह बिजली है, हर जगह बिजली होगी। अरे मेरी रियासत में आओ, मैं दिखाऊंगा आपको, हमारे शहर में बिजली नहीं है तो गांव की तो बात ही नहीं है। और ये इतने झूठ बोलते हैं, मैं कभी कभी हैरान हो जाता हूं कि इस लेवल पे हम पहुंच गए हैं कि हम सच बोलना भूल गए हैं। और इसलिए जब तक हम लोग सच नहीं बोलेंगे और लोगों से नहीं कहेंगे कि हमारी गलतियां यहां पे हैं, ये समझते हैं ये जीत जाएंगे। और किस तरह जीतेंगे, ये धर्मों की लड़ाई कर रहे हैं और धर्मों की लड़ाइयों से हिंदुस्तान बचेगा नहीं। मैं आपको ईमानदारी से कहता हूं, मैं इनसे बार बार ये कहता हूं कि भाई तुम धर्मों की लड़ाई क्यों कर रहे हो। कोई हम मैं मुसलमान हूं, मगर मैं नहीं समझता हूं कि हिंदू कोई बुरा आदमी है या उसका धर्म बुरा है, नहीं, वो बिल्कुल ठीक है। बल्कि आप अगर अपनी पुस्तकें देखें, मैं बार बार ये कहता हूं कि भगवान राम जो हैं वो विश्व के राम हैं, वो सिर्फ हिंदुओं के राम नहीं हैं। ये जो गलत फहमी ये पैदा करते हैं कि वो सिर्फ हिंदू के राम हैं, वो हिंदू के राम नहीं हैं, इन्होंने वो पढ़ा ही नहीं है, खुद नहीं पढ़ा है। दूसरी बात आपसे कहूं, मैं हम मुसलमान अल्लाह को कहते हैं रब्बुल आलमीन, कभी नहीं कहा रब्बुल मुस्लिमीन कि वो सिर्फ मुसलमानों का रब है, ये नहीं कहा हमने। कोई माने या ना माने या उस तक है, मगर धर्मों की लड़ाई से हिंदुस्तान बचेगा नहीं। जो संविधान हमारा बना वो सबके लिए बराबर बना, वो हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, जो भी भारत का रहने वाला है उसके लिए बराबर है। मगर जिस तरह से ये वोट हासिल करने के लिए हिंदू को अलग, मुसलमान को अलग, किसान को अलग, हर एक दलित को अलग, हर एक को अलग अलग करके ये समझते हैं, वो जो अंग्रेजों की पॉलिसी थी डिवाइड एंड रूल, कि हर एक को तोड़ो और अपना शासन बना के रखो। ये अगर आपने तोड़ना है तो हम सब ने इकट्ठे होना है। और चंद्रबाबू जी ने बहुत अच्छी बात की कि सबको इकट्ठे किया, सब नेता इनके साथ जुड़ गए और एक मुहिम चलाई कि अगर भारत को बचाना है तो इस सरकार को निकालना है। और उसके लिए मैं इनको मुबारक करता हूं और आज इस बात पे भी मुबारक करता हूं, ये खड़े हो गए। यानी कल जो भाषण प्रधानमंत्री ने आंध्रा में दिया, मुझे अफसोस हुआ कि प्रधानमंत्री को इतना नीचे नहीं गिरना चाहिए और पर्सनल अटैक करने लगे। पहले इनसे ये तो पूछो कि पैसा कितना दिया। हम लोगों को जब महबूबा वहां पे चीफ मिनिस्टर थी, 80,000 करोड़ का वादा किया, 10,000 करोड़ से ज्यादा नहीं दिया, बाकी सारा हवा में है। इसी तरह आपके साथ भी ये हुआ, ही प्रॉमिस्ड यू दैट ही विल गिव यू स्पेशल स्टेटस, ही प्रॉमिस्ड यू दैट ही विल गिव यू मनी फॉर द कैपिटल, वेयर इज दैट मनी? एंड देयर फॉर ऑल द टाइम ही इज लेइंग फाउंडेशन स्टोन्स। वी डोंट हैव डॉक्टर्स टू रन आवर स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल्स इन आवर प्लेस, एम्स बनाओ, लगाओ पत्थर। अरे मैंने बड़े पत्थर देखे हैं, वो पत्थर वहीं रह गए, काम कहीं नहीं, बस पत्थर ही लगाए जाओ। इलेक्शन आ जाएगा ना, इलेक्शन बाद ही कहेंगे जी आगे देखेंगे। जब इलेक्शन खत्म हो जाएगा, वो चार साल साढ़े चार साल हो जाएंगे, फिर कहेंगे ओहो वो पत्थर लगाया था उस पर काम अब शुरू हो जाएगा, और दो तीन उस पर वो काम हो जाएगा, उसके बाद वो भी बंद हो जाएगा। ये हाल देखिए, मेरी रियासत का हाल देखिए, आज 6 दिन से सड़क बंद है। आज इस इन 21st सेंचुरी कैन यू ब्रीथ दिस, देर इज रैशनिंग ऑफ फ्यूल,
You get 10 liters of diesel and 3 liters of petrol in the valley of Kashmir. And that road, only 30 kilometers of road, they are not able to make. And they promise us the moon. Where is that moon? I can't see it on the earth. Therefore, Chandra Babuji, I hope you continue this struggle. We must struggle hard and be united. Remember one thing, main aapse kehna chahta hoon. Jab tak aap united nahi rahenge, ek nahi rahoge. Inke paas paisa bahut hai. Aapne dekha abhi Karnataka mein kya kiya. Yani ek ek MLA ko khareedne ke liye kitne karodon rupaye dene ko ye taiyar hain ek hukumat ko girane ke liye. और ये डेमोक्रेसी को बचाने की बात करते हैं. अरे यार, कुछ तो रहम करो इस भारत पे. क्यों हम लोगों को उस तरफ ले जा रहे हो, उस बर्बादी की तरफ ले जा रहे हो? बर्दाश्त तो करो. एक हुकूमत आ गई है, आप उसको बर्दाश्त करो. मगर इनमें वो दम नहीं है. दे वॉन्ट टू रूल, नथिंग एल्स बट रूल, रूल एट ऑल कॉस्ट. एंड यू हैव टू डिफीट दम फॉर दैट व्यू दैट दे होल्ड. दे डोंट हैव सर्टिफिकेट of ruling this nation forever. Amit Shah kahe, humne 50 saal hukumat kar rahi hai. Amit Shah sahab, aap 50 saal to zinda hi nahi rahoge. To kya hukumat karoge? Dilon pe hukumat karna chahte ho, to insaaf karna seekho. Learn to respect others. Learn to respect others' views. We are all Indians. We believe in India. And we want to strengthen India, but not at this way, the way you are doing it. That is not the way of strengthening India. You have to strengthen everybody, the poor, the rich, the middleman. Everyone has to be respected. And therefore, to you, Chandra Babuji, my greatest respects, and may God give you health and strength, and these people to stand with you. We will fight this government out, and we will certainly make a better India than it has ever been. God bless you all. God bless Andhra and God bless India.